रीवा जिले के जनपद पंचायत रीवा में भ्रष्टाचार चरम पर है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर्मचारियों के द्वारा आम जनता का खून चूसा जा रहा है। शिकायत करने के बाद भी पीड़ितों को कहीं न्याय नहीं मिल रहा। ताजा मामला जनपद पंचायत रीवा के ग्राम पंचायत मैदानी का है, जहां के रोजगार सहायक गोविंद नारायण सिंह के खिलाफ शिकायत की गई है। पीड़ितों ने बताया कि आवास योजना का उनके खाते में पैसा आया था। उसी योजना के तहत रोजगार सहायक ने अंगूठा लगवाया और उनके खातों से पैसे निकल गए। इसी तरह एक अन्य पीड़ित ने बताया कि समग्र आईडी अलग करने के नाम पर रोजगार सहायक पैसा ले लिया और काम भी नहीं हुआ। हालांकि पूरे मामले की शिकायत मिलने के बाद अपर कलेक्टर ने जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। आपको बता दें कि रीवा जनपद पंचायत भ्रष्टाचार की नई इमारतें गढ़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अपर कलेक्टर ने आश्वासन तो दे दिया है, जांच के बाद कार्यवाही हो पाती है या राजनीतिक संरक्षण के चलते फिर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। आइए सुनते हैं पीड़ितों का क्या कहना है। कौन हमारा नाम, क्या हुआ? वो बला सहायक बुलाया 6 बजे, कहे इसके आओ अंगूठा लगा देना। तो हम नहीं गए, आदमी को भेजे। तो आदमी के जब आदमी हमारा गए तो कैमरा नहीं खोला। आज जब हम गए तो कहे तुम 6 बजे पुणे आना। तो हम जब गए तो कैमरा खोल दिया तो बोला कि ग्राम पंचायत में चलो, हम तुमको पैसा देंगे, जितना मन हो उतना देंगे, यह काम हमारे साथ करना। तो हम बोले कि मदर 14 साल तो हम इज्जत बेच के तुमको हम तुमसे पैसा लेंगे। हम बोले अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आपका आया है? हाँ। कितना आया? आया है 1 लाख, एक लाख रुपये भर आया है मेरे खाते में। कितने किस्तों में आया है? एक बे दो बे 40-40 आया है, एक बे 25 आता है, तभी से हमको मिला। घर बनकर तैयार हो गया आपका? हैं, घर बन गया, तैयार है? तैयार हो गया। फिर डरवाने के लिए छत डरवाने के लिए कर्जा काढ़े हैं 40,000। हम आपको हाँ जी 1 लाख एक साथ मिला है कि किस्त में मिला, कितने बार में मिला है ये बताओ? किस्त में मिला है, एक बे 40 मिला। हाँ। दो बे के 40-40 मिला। हाँ। एक बे 20 मिला। हाँ जी, इतना मिला, 1 लाख रुपए कुल मिला। हाँ, कुल मिला, और बाकी पैसा नहीं मिला। घर की कैसे बनवाई आप? कर्जा काढ़ के 40,000 हम बनवाए हैं। अच्छा, रोजगार सहायक के खिलाफ आप लोग शिकायत करने भी गए थे? हाँ जी। आप बता रही अंगूठा लगा के पैसा निकाल? हाँ। लिया, क्या है मामला? क्या अंगूठा लगा के पैसा निकाल लिया? कितना पैसा निकाल लिया? 15,000 वो निकाल लिया, सहायक निकाल लिया। हाँ। क्या नाम है? गोविंद नारायण सिंह। कहाँ रहने वाले हैं? एंथे है, मैदानी में रहता है। कौन से पद में है? सहायक पद में है। छोटे लाल, क्या मामला है आपको बताइए? ये एक हर पैसा आया था घर बनाने के लिए, तो आधा पैसा दिया या आधा पैसा नहीं दिया। कितना दिया? शुरू में 20, एक 40 आया, एक बाद अंगूठा लगवाया, कहे कि वो माँ रोड नाली के पैसा जब चालू होगा तब पैसा देंगे धीरे धीरे। किसने अंगूठा लगवाया? गोविंद नारायण। ये कौन है? इंडिया है सहायक। उसकी शिकायत आप लोगों ने कलेक्ट्रेट में की है? जी, जब पैसा कर्जा काट के ले आया तब देवा नहीं शिकायत है। पीएम आवास का पैसा है जी? किस चीज़ का पैसा है? घर बनाने के। कितने रूम बनाने के लिए पैसा आया है, कुछ वो बताया है इसके बारे में? और कुछ नहीं बताया। कितने रूम बनवाए हो आप? 2 कमरे। हमारा नाम प्रदीप कोरी है। क्या समस्या है? हमारी समस्या है आईडी अलग नहीं करते हैं, गोविंद प्रसाद पैसा भी खा लिए हैं। कौन है ये? ये गोविंद सहायक। कहाँ पैसा कहाँ है? ये आईडी अलग करवा रहे थे तो आईडी अलग नहीं हुई है। कितना पैसा? 500। पिताजी से? हाँ, पिताजी से। तो शिकायत किए थे आप लोग? शिकायत नहीं किए हैं, अब घर आते जाते हैं बस हो गया, ताला भी नहीं खोलते सुबह सुबह। काम हो गया तुम्हारा? काम नहीं हुआ है। तो पैसा भी खा लिए? पैसा भी खा लिए, बोले उनका नाम है गोविंद प्रसाद जी। देखिए भाई, प्राथमिकता से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के बाद कलेक्टर साहब और सीओ सर जिला पंचायत
के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के आवासों का राशि वितरण और अन्य कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो इसके दौरान इस तरह की यदि कोई शिकायत मिलती है तो ये निश्चित रूप से उचित नहीं है, उसके खिलाफ़ जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। और शिकायत आप लोगों के माध्यम से हम लोगों के पास अभी पहुंची है, तो इसको अपने संज्ञान में लेकर और इसकी विधिवत परीक्षण करके और यदि कोई इसमें दोषी होता है तो विधिवत कार्रवाई।